फिर दूसरा प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपाउंड, तीसरा सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स एंड कॉमन सॉल्ट, फिर एक्सपेरिमेंट फॉर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जो कि है प्रिपरेशन ऑफ स्टेन्ड टेम्पररी माउंट पील ऑनियन पील। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 6 आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइम कोरेन्काइमा। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 डिटरमिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। एक्सपेरिमेंट 8 वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देख सकते हैं आप कौन कौन सा है। एक्सपेरिमेंट नंबर 14 लॉ ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 15 जो कि लास्ट है। तो पहला एक्सपेरिमेंट है, इसमें एम टू प्रिपेयर। आप देख सकते हैं आपने वीडियो क्वालिटी बढ़ाई है ताकि आपको वीडियो साफ दिखे। मटीरियल रिक्वायर्ड प्रोसीजर का, फिर यहाँ पे प्रोसीजर है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं जो कि एंड उसी के आगे आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ वेरी नैरो स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज टू डिस्टिंग्विश टू सॉल्यूशन ऑफ सस्पेंशन एज अ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपरेंसी। इसमें है ए वाला फिल्ट्रेशन क्रिटेरियन। उसके बाद है यहाँ पे कॉमन सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर, ग्लास रॉड, फनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या है। उसके बाद ये दूसरा पेज था। अब उसके बाद थर्ड पेज जो कि है ट्रांसपरेंसी फिल्ट्रेशन स्टेबिलिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब, फिर जी रिजल्ट के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ठीक है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में है पहला क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन से जो सॉल्यूशन ऑफ शुगर। आप देख सकते हैं उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। के बाद यहाँ पे 12 मीन्स 10, 15, 11 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 2 टू प्रिपेयर अ मिक्सचर कंपाउंड। आई यूज आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस होमोजेनिटी हेटेरोजेनिटी बिहेवियर टूवर्ड्स मैग्नेट बिहेवियर टूवर्ड्स कार्बन डीसल्फेट इफेक्ट ऑफ हीट कंपाउंड मिक्सचर मटीरियल रिक्वायर्ड। उसके बाद प्रोसीजर और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीजर में क्या क्या है। उसके बाद अब ये नेक्स्ट पेज एक्सपेरिमेंट 2 का पहला पेज था। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन अंडर मैग्नीफाइंग ग्लास एक्शन विद कार्बन इफेक्ट विद हीट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन इन्फेरेंस रिजल्ट इफेक्ट ऑफ हीट। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट के प्रिकॉशन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्रिकॉशन में ये है प्रिकॉशन हीट द मिक्सचर ऑफ सल्फर आयरन एंड इन द हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब ओनली वाइल परफॉर्मिंग वायरस एक्सपेरिमेंट यूज मिनिमम अमाउंट ऑफ द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड कार्बन डी सल्फेट इन फ्लेम कीप इट अवे फ्रॉम फ्लेम। एंड देन इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 7th क्वेश्चन इन लेबोरेटरी व्हाट प्रिकॉशन हैज टू बी टेकन विद कार्बन डी सल्फेट कीप अवे फ्रॉम फ्लेम कीप अवे फ्रॉम कार्बन कीप अवे फ्रॉम आयरन डी सल्फेट। इसके बाद फिर यहाँ पे ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। वहाँ पे 6 क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंड व्हेन आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर आर मिक्स्ड टुगेदर इन अ चैनलाइज्ड राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हाट डू यू फाइंड इन योर मिक्सचर फिजिकल नेचर। तो यहाँ पे आप अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, फिर देख सकते हैं साफ साफ क्या क्या है। फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इसमें एम टू प्रिपेयर द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर अमोनियम क्लोराइड बाय सब्लिमेशन मटीरियल रिक्वायर्ड फिर थ्योरी फिर प्रोसीजर। उसके बाद यहाँ पे उसका डायग्राम है सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम मिक्सचर। और फिर इसके बाद यहाँ पे सेपरेशन ऑफ सैंड प्लेस द मिक्सचर इन अ चैनलाइज्ड प्लेस द चैनलाइज्ड ऑन ए वायर गॉज प्लेस्ड ओवर अ ट्रिपॉड स्टैंड। फिर यहाँ पे सेपरेशन ऑफ सैंड है सेपरेशन ऑफ सैंड। इसके बाद नीचे यहाँ फिगर है उसकी डायग्राम।
डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सेपरेशन ऑफ सैंड एंड वाटर, उसके बाद यहाँ पे सेपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, फिर उसके प्रिकॉशन और फिर इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, प्रिकॉशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये 10-11 होंगे कुछ, तो यहाँ पे चार है, तो उसके बाद 5, 6, 7, 8, उसके बाद यहाँ पे 9th क्वेश्चन, फिर 10, 11, 12 क्वेश्चन, और फिर अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है इसके बाद। नेम द प्रोसेस बाय कैम्फर चेंज इट्स वेपर इनटू सब्लिमेशन, और फिर यहाँ पे 8 के 8 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कौन कौन से है। तो फ्रेंड्स ये है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 4, टू कैरी आउट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एंड क्लासिफाई द एनएस फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इसमें है मटीरियल रिक्वायर्ड, टेस्ट ट्यूब, थ्योरी, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, प्रोसीजर, एक्सपेरिमेंट विद आयरन एंड नील कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और फिर इसके बाद ये देख सकते हैं आप क्या क्या है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में, और फिर इसके बाद इसका ये नेक्स्ट पेज है, व्हेन आयरन नेल्स आर कैप्ट इन CuSO4 सॉल्यूशन, इन्फेरेंस यहाँ पे है, और फिर उसके बाद इन्फेरेंस में केमिकल चेंज, सेकंड MgO इज बेसिकली नेचर, एक्सपेरिमेंट विद जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के बाद यहाँ पे उसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन में क्या क्या है, और फिर यहाँ पे उसका डायग्राम, और फिर ये नेक्स्ट इन्फेरेंस में डी एक्सपेरिमेंट विद कॉपर सल्फेट ऑन हीटिंग, हीटिंग में क्या होगा, उसके बाद हीटिंग ऑन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, इन्फेरेंस इसका फिजिकल चेंज, CuSO4 लॉसेस वाटर एंड बिकम्स हाइड्रॉन्स ऑन एडिंग वाटर एंड इट बिकम्स ब्लू इन कलर, और फिर इसके बाद यहाँ पे ई एक्सपेरिमेंट विद सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यहाँ पे इसका ऑब्जर्वेशन है, आप देख सकते हो ऑब्जर्वेशन कौन कौन सा है, और फिर यहाँ पे प्रिकॉशन है, और फिर प्रिकॉशन के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन ईयर द ऑब्जर्वेशन विल बी, और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन आयरन लेन आर एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन है, और आपको सही आंसर करना है तो आप कर लीजिए। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द ग्रैनुलेटेड जिंक प्लेस्ड इन अ टेस्ट ट्यूब द ऑब्जर्वेशन मेड इज, इस ABCD में से जो होगा आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कौन कौन से है, 5th, 6th, उसके बाद 7th, उसके बाद 8th, फिर 9th, फिर 10th। तो फ्रेंड्स ये है क्वेश्चंस, और फ्रेंड्स उसके बाद ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस है यहाँ पे 6। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर पेंटाहाइड्रेट एंड कॉपर सल्फेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल बेस्ड में, ये पूछे जाते हैं हमेशा फ्रेंड्स। उसके बाद ये 6th क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 का 8th, टू प्रिपेयर स्टैंड टेम्प्ररी माउंट ओनियन फील्ड टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉ अ लेबल डायग्राम, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है मटीरियल रिक्वायर्ड में और थ्योरी में और प्रोसीजर में। इसके बाद यहाँ पे ये इसका डायग्राम दे रखा है, फिर उसके बाद डायग्राम में देख सकते हैं आप क्या क्या दे रखा है। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट 5 का पहला पेज था, अब दूसरा पेज यहाँ पे अंडर लो पावर ऑफ द माइक्रोस्कोपर स्लाइड ऑफ ओनियन पील का स्लाइड, न्यूक्लियस, वैक्यूल, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, उसके बाद यहाँ पे उसके ऑब्जर्वेशन है, देर आर लार्ज नंबर ऑफ ब्रिक शेप्ड सेल्स लाइंग साइड बाय साइड ऑफ माइक्रो साइंड इन अ माइक्रो मेम्ब्रेन, अ डिस्टिंक्ट डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ईच सेल। इसके बाद यहाँ पे इसके प्रिकॉशन है, और फिर यहाँ पे एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट नंबर 5 का बी है, टू एम प्रोसीजर थ्योरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से है, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर, और उसके बाद अब ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें ये वाला कौन कौन सा है, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 और फिर प्रोसीजर थ्योरी, उसमें याद यहाँ पे CD, इसके ये प्रोसीजर, उसके बाद यहाँ पे इसका डायग्राम है, देख सकते हैं डायग्राम है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पेज स्लाइड ऑफ चीक सेल अंडर माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप के अंडर चीक सेल का डायग्राम है, फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस है, और फिर इसके बाद ये नेक्स्ट पेज इन्फेरेंस, प्रिकॉशन, और यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और फिर यहाँ लास्ट में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, उसके बाद ये भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे 8 यहाँ पे
ये उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 6 हम अगले वीडियो में बताते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 6 के साथ आया है, तो आपने अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 6 से पहले का देखना है तो वीडियो के प्ले लिस्ट में या वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं, चैनल के वीडियोज़ में। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है जिसमें टू आइडेंटिफाई पैनकामा स्कैंचर में टिश्यूज इन स्ट्रिप्ड मसल फाइबर एंड नर्व सेल इन फ्रॉम प्रिपेयर्ड स्लाइड्स टू ड्रॉ देयर लेबल डायग्राम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। इसमें मटीरियल रिक्वायर्ड, फिर थ्योरी, फिर यहाँ पे टिश्यू की डिफाइन, फिर परमानेंट टिश्यू, यहाँ पे प्रोसीजर और फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस है। यहाँ पे पहला टिश्यू है पैनकाइमा, इसके फीचर्स दे रखे हैं, दीज आर आइसो डायमेट्रिक डेट इज ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ एंड विड्थ, दे आर इंट्रा सेलुलर स्पेसेस एट द कॉर्नर्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, पे देख सकते हैं आप। और फिर यहाँ पे इंट्रा सेलुलर स्पेस दिखा रखा है, ये डायग्राम है इसका। और फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे है, दिस सेल हैव थिन वॉल्स, देयर आर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन ईच सेल, अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। फिर यहाँ पे इन्फेरेंस है इसका और फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है स्कैन काइमा का। स्कैन काइमा का वो ऑब्जर्वेशन है। सो फिर यहाँ पे फीचर्स है, उसके फीचर्स में एक मिनट। और फिर उसके बाद यहाँ पे स्कैन चैमेटस सेल्स आर डेड सेल्स, और फिर यहाँ पे स्कैन काइमा, और फिर यहाँ पे फाइबर्स है। इसमें लिखा हुआ है स्कैन चैमेटस सेल्स आर डेड सेल्स, दे हैव हार्ड हैवी ओनली थिक एंड हार्ड वॉल सेल्स। यहाँ पे इसके इन्फ्रेंस आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे है इन्फ्रेंस, this tissue is very widely distributed tissue and occurs in the form of distinct of patches and forms the chief constituents of hard parts of the cell, the cells being thick walled and having deposition of ligand have mechanical strength to the plant। uske baad yahan pe orientation, fir uske features aur fir yahan pe fir se inference aap dekh sakte hain। fir uske baad yahan pe nerve observation and nerve cell ka, yahan pe cell body action dekh sakte hain, एक्शन नर्व बॉडी, तो सेल बॉडी और फिर एक्शन, यहाँ पे नर्व एंडिंग मसल, डेंड्राइट्स, एक्शन, न्यूक्लियस। और उसके बाद यहाँ पे उसके फीचर्स लिखे हुए हैं नीचे, द नर्व सेल हैज अ लार्जर बॉडी कॉल्ड साइटन, द सेल बॉडी साइटन इज अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। उसके बाद यहाँ पे इन्फेरेंस उसके दे रखे हैं फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ पैनकाइमा स्कैनकाइमा। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ाई अगर आपको साफ नहीं दिख रहा तो। और फिर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 7 पे आ गए, टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पे ये डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे लिखा है मेकिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, वहाँ पे इंसर्ट आप देख सकते हैं कौन कौन से पॉइंट है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और फिर उसके वाटर के बाद बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हीटिंग एंड बॉयल, हीट द बॉइलिंग ट्यूब जेंटली, कीप ऑन मूविंग द फ्लेम एज अदरवाइज द ट्यूब इज लाइकली टू ब्रेक। और फिर उसके बाद नोट द कांस्टेंट टेम्परेचर आल्सो। और फिर यहाँ पे उसके ऑब्जर्वेशंस आपको लिखने हैं क्या क्या हुआ है, टाइम इन मिनट्स। और फिर यहाँ पे रिजल्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 10 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज डैश। और यहाँ पे प्रिकॉशंस है। और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है प्रैक्टिकल बेस्ड, लिस्ट द स्टेप्स टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसके बाद। और फिर उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, यहाँ से लेके थर्ड से लेके फिर ये थर्ड क्वेश्चन। और फिर इसके बाद ये फोर्थ यहीं पे, और फिर ये फिफ्थ, सिक्स्थ, और फिर यहाँ पे ये सेवन्थ, एट्थ। और फिर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 8 पे आते हैं, इसमें टू वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर, ग्लास शीट, और फिर यहाँ पे प्रोसीजर। और फिर प्रोसीजर में यहाँ पे पुट अ क्लॉक इन फ्रंट ऑफ पी पाइप P1। और फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं आप फिगर कैसा करना है, यहाँ पे आपको स्टॉप वॉच रखनी है, ये ऊपर वॉल। और फिर अब देखते हैं प्रोसीजर्स में, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट,
और फिर उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और फिर यहाँ पे रिजल्ट, कंक्लूजन, और फिर इसके बाद प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आपको अगर वीडियो साफ नहीं दिखा तो अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए। फिर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है, टू फाइंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग बैलेंस एंड मेजरिंग सिलेंडर। यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे प्रोसीजर है और यहाँ पे डायग्राम है, और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि किस पे कितना हुआ था मास और वॉल्यूम, और फिर यहाँ पे ये एवरेज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला, और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन, और फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 3, 4, 5, 6 यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, उसके बाद फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंट नंबर 10 पे आते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड इसमें, और फिर थ्योरी, फिर प्रोसीजर, और फिर ऑब्जर्वेशंस, और फिर यहाँ पे ये वेट इन एयर W1, वेट इन टैप वाटर W2, डिग्रीज इन वेट टू WT-W1, और फिर यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस शुड बी एक्यूरेट, मेजरिंग सिलेंडर शुड बी ड्राई, फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी थ्योरी मीन्स डायग्राम, और फिर यहाँ पे 7th उसके पॉइंट, और फिर नीचे एक और डायग्राम, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब चैनल, और अगले वीडियो में इसके आगे का एक्सपेरिमेंट बताते हैं। यहाँ पे ये 7, 8, 9 तक 10 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, और फिर इसके बाद अगले वीडियो में बता देंगे आगे के 5 एक्सपेरिमेंट। सो आपने अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी न्यू वीडियो एक्सपेरिमेंट नंबर 11, तो देखते हैं इसमें क्या क्या। टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पल्स प्रोपेगेटेड थ्रू स्ट्रैंडेड स्लिंकी, यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर आप देख सकते हैं कौन कौन सा है, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस, और फिर यहाँ पे एवरेज स्लिंकी हुक हैंड, और फिर इसके बाद यहाँ पे प्रिकॉशंस टू चूज, फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, चूज अ स्लिंकी ऑफ प्रॉपर लेंथ एंड डक्टिलिटी, टाई वन एंड ऑफ स्लिंकी प्रॉपरली, स्टार्ट द स्टॉप वॉच एज यू जर्क, गिव द स्लिंकी हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे पहला था, उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, उसके बाद यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, उसके बाद यहाँ पे 4th क्वेश्चंस है, उसके बाद 5th, उसके बाद 6th, फिर उसके बाद 7th, उसके बाद 8th। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 12 वेयर टू स्टडी द स्पायरोग्रामस, जो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद मटीरियल रिक्वायर्ड, फिर प्रोसीजर, फिर करेक्टरिस्टिक फीचर्स, यहाँ पे किंगडम दे रखा है, डिवीजन और क्लास, उसके बाद करेक्टरिस्टिक फीचर, आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ द ग्रुप, और फिर उसके बाद प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन नेचर, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, लार्ज वैक्यूल, उसके बाद आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ द ग्रुप, करेक्टरिस्टिक फीचर इट इज़ द फिलामिनियस एल्गा विद ग्रोज इन द लेंथ नॉट इन थिकनेस, और फिर इसके बाद यहाँ पे है एग्रीकस क्लासिफिकेशन है इसका, और फिर किंगडम है, डिवीजन है, क्लास है, उसके बाद यहाँ पे करेक्टरिस्टिक फीचर्स है इसके, फिर यहाँ पे आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ द ग्रुप, हम देख सकते हैं कौन कौन से है आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ द ग्रुप और करेक्टरिस्टिक फीचर्स, और फिर यहाँ पे उसका डायग्राम है, एनलस, पिलियस, गिल्स, स्ट्राइप, ये फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे है आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ द ग्रुप, और फिर उसके नीचे है मॉस, प्लांट, किंगडम, सब डिवीजन, डिवीजन, फिर यहाँ पे करेक्टरिस्टिक फीचर्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लांट बॉडी इज कॉल्ड जेमोट्राइफाइट एंड वेल डिफाइंड इन टू राइजोम स्टेम्स लीव्स, दिस प्लांट डू नॉट कंटेन वेस्कुलर बंडल्स टू ट्रांसपोर्ट मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
अनदर आइडेंटिफाइंग फीचर्स उसके बाद है यहाँ पे, और फिर उसके बाद दीज आर नॉन वैस्कुलर प्लांट्स दी आर कॉल्ड ब्रायोफाइट्स ऑफ प्लांट किंगडम एज वाटर इज असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन द प्लांट बॉडी इज जनरली थैलॉइड। उसके बाद यहाँ पे है सेट्रा, ये प्लांट का वो है डायग्राम। उसके बाद फर्न है, उसका क्लासिफिकेशन है, करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, और फिर फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्टरिस्टिक फीचर्स। उसके बाद यहाँ पे प्लांट बॉडी इज अ सेप्रोफाइट विच इज हैज टू रूट्स स्टेम्स विद लिव वास्कुलर टिश्यू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर। उसके बाद यहाँ पे इम्यूनेटिव लीव्स आर कॉइल्ड लाइक स्प्रिंग। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफाइंग फीचर्स है, दे हैव वास्कुलर टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ मटीरियल विद इन द पार्ट्स ऑफ प्लांट। पेंट्रोफाइट इज अ डोमिनेट हैविंग ट्रू सॉल्यूशन इन स्टेम्स एंड लीव्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे पीनस है, करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। उसके बाद मेल कोन स्टेमिनेट, उसके बाद यहाँ पे फीमेल कोन है। और फिर नेक्स्ट पेज यहाँ पे सेकंड क्वेश्चंस का यहाँ पे है उसके डायग्राम्स, यहाँ पे डायग्राम्स आप देख सकते हैं क्या क्या है। उसके बाद यहाँ पे है ब्रांच बियरिंग मेल कोन फीमेल कोन माइक्रोसेरोफिल लॉन्ग एंड ड्राफ्ट शूट ऑफ पाइन एंजियोस्पर्म प्लांट क्लासिफिकेशन किंगडम क्लास है इसका। और फिर यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स है, और फिर यहाँ पे ये करेक्टरिस्टिक्स है, और फिर यहाँ पे लीव लेमन नोड सेकेंडरी प्राइमरी रूट, और फिर यहाँ पे इसके क्वेश्चंस है। फिर क्वेश्चंस के बाद एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके बाद यहाँ पे ये 8 क्वेश्चंस है, और फिर उसके बाद ये 9th-10th क्वेश्चंस, और फिर आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। और फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आता है एक्सपेरिमेंट नंबर 13 टू ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स 4 से मॉडल ऑफ अर्थवर्म कॉकरोच बोरी फिश बर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉ द पिक्चर एंड रिकॉर्ड ऑफ। यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड है, और फिर प्रोसीजर अर्थवर्म स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक फीचर्स दे हैव बायलेटरल सिमेट्री, और फिर यहाँ पे अडेप्टेशन एडेप्टिव फीचर्स अर्थवर्म रेसिड्यू इन होल्स देख सकते हैं आप क्या क्या है। उसके बाद ह्यूमस इन सॉइल एंड इट्स मेन फूड। उसके बाद यहाँ पे कॉकरोच का है सेकंड क्लासिफिकेशन फॉर किंगडम फिर फाइलम स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक फीचर्स देख सकते हैं कौन कौन से। और उसके बाद अडेप्टेशन अडेप्टिव फीचर्स, और फिर यहाँ पे कॉकरोच का है, और फिर उसके बाद कॉकरोच का है ये आप देख सकते हैं हिंड विंग टैगमीना हेड प्रोटोमोर मैसोट्रोफोस। उसके बाद इट इज़ ओमनीवोरस, यहाँ पे बोनी फिश है फाइलम कोर्डाटा क्लास, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक फीचर्स है इसका। फिर उसके बाद एडेप्टिव फीचर्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे उसका डायग्राम है आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है वेंट्रल पेल्विन ओपिक्ट्रम वेक्टोरल फिन आई लेटरल लाइन ड्रोसरल फिन। उसके बाद यहाँ पे बर्ड्स का है कोर्डाटा और क्लास एफ्स। अडेप्टिव फीचर्स बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड स्केलेटन इज अ लाइट एंड हेलो होलो। उसके बाद यहाँ पे ये बर्ड का वो है बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, यहाँ पे उसका आई बीक चिन थ्रोट नेक विंग टेल फेदर्स इनर आप देख सकते हैं कौन कौन से। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस है इसके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, और फिर यहाँ पे आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट इन द फॉलोइंग डायग्राम, और फिर यहाँ पे ये है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज है और फिर उसके बाद ये पूरे एमसीक्यूज है 10 के 10। और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 14 है आप देख सकते हैं 10 के 10 एमसीक्यूज। और फिर आपको अगर वीडियो साफ नहीं था वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए यूट्यूब की। और फिर उसके बाद एम मटीरियल रिक्वायर्ड फिर प्रिंसिपल फिर प्रोसीजर, और फिर इसके बाद यहाँ पे है उसका डायग्राम क्या क्या है आप देख सकते हैं। टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन, सो इसमें यहाँ पे है कॉर्क थ्रेड कॉनिकल फ्लास्क बॉइलिंग ट्यूब BaCl सॉल्यूशन Na2SO4 सॉल्यूशन। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस है उसके, और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है व्हाई कलर चेंजेस टेक प्लेस ऑन मिक्सिंग एक्यूमस सॉल्यूशन टू बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट व्हाई। फिर यहाँ पे एमसीक्यूज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस,
एमसीक्यूज और फिर फ्रेंड्स, इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल विच टाइप ऑफ चेंज देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन और फिर उसके बाद यहाँ पे ये सेवन क्वेश्चन है और फिर ये एट्थ क्वेश्चन और फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 15 जो कि लास्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पे टू स्टडी द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ रूट स्टैम्प, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे लीव्स है, मोनोकॉट डाइकॉट बाइकॉट, यहाँ पे रूट्स और फिर ये लीव्स, फिर स्टैम्प्स। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे इसके फिगर्स है, यहाँ पे ऑल जनरली ऑफ स्पेल्स सेपल्स पिटल्स स्टेमस एंड पिस्टल्स, यहाँ पे ये है। उसके बाद ये फ्रेंड्स इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर डू मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स हैव। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चंस, टेंथ के बाद दस यहाँ पे क्वेश्चंस है और फिर ये सब इम्पोर्टेंट डायग्राम है फॉर प्रैक्टिस के लिए। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एटम सब्लिमेशन का और फिर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स माइटोकॉन्ड्रिया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का और फिर यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट बाइकॉट एंड डाइकॉट प्लांट। उसके बाद वाइड फॉल एल। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो और भी वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पहले के भी मिल जाए फ्रेंड्स।